नमस्कार, मैं पंडित चिप्रा सचदेव। आपकी लाइफ में स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है, मियां बीबी के बीच में लड़ाई झगड़ा होते हैं, बच्चों को लेकर आप परेशान हैं, बच्चे को फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं या घर का वास्तु कराना है, कुंडली संबंधी अगर कोई भी परेशानी है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज चौराहे के पास में है। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, वेलकम बैक अनुरा दोस्तों, द प्रयागराज पोस्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कल आज 14 अगस्त है और आज़ादी की पूर्व संध्या पर किस तरीके से लाइटिंग की गई है। आप सामने देख सकते हैं पूरा इंदिरा भवन जो है ट्राई कलर यानी तिरंगे के कलर में रंग दिया गया है, और इधर भी पूरी जो है सुभाष चौराहा पे सुभाष जी के ऊपर चारों तरफ जो है तिरंगे का रूप दिया गया है। पूरे शहर में आप जिस इस समय जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर भी तिरंगा सजा हुआ, हाईकोर्ट हो, जितने भी सरकारी बिल्डिंगें हैं सब पे तिरंगा लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आप लगातार चेकिंग भी चल रही है पुलिस की, क्योंकि कल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सजग है और लगातार लोगों की चेकिंग कर रही है। दोस्तों मैं यहाँ सीधे आ गया हूँ हाईकोर्ट। आज हाईकोर्ट खुला हुआ है सभी के लिए और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सजावट की गई है हाईकोर्ट पर, और पूरा कोर्ट परिसर जो है इस समय ट्राई कलर में तिरंगे के कलर में रंग चुका है। आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर तो केवल वही आते हैं जिनको आप समझ ही सकते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो है सभी आम लोगों के लिए भी हाई कोर्ट खोल दिया गया है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको सुभाष चौराहे दिखाया, उसके बाद चिकन गए, अभी सीधे हाई कोर्ट में नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त पर आप भी ज़रूर यहाँ पर आए हाई कोर्ट में और यहाँ का नज़ारा लें। तब तक के लिए धन्यवाद।